Assalamualaikum dear students, I am Sayyida Ribah Fatima and today we are going to solve the question of exercise 7.1. The definition of degree is, we divide the circumference of a circle into 360 equal arcs. The angle subtended at the center of the circle by one arc is 1 degree and it is denoted by 1 and 1 small circle over there. Okay. अब आप यहाँ पे देखें वही बात जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे बस कुछ हमने डेफिनेशन लिखने का मतलब ये है कि हम जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हुए डेफिनेशन की तरफ मूव करें. जैसे कि यहाँ पे वर्ड है सर्कमफेरेंस. व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस? बेसिकली व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द सर्कल, जब भी हम सर्कल की बात करते हैं, ये अगर हमारे पास सर्कल है तो इस सर्कल की जो बाउंड्री है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, द बाउंड्री साइड्स, बेसिकली क्या है, हमें किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है सर्कमफेरेंस को. तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. ओके, आर क्या है? अगर मैं इस सर्कल का कोई भी सर्कुलर पार्ट ले लूँ, छोटा सा लाइक दिस, ये अगर मैं छोटा सा पार्ट ले लूँ सर्कुलर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? आर्क. कंप्लीट बाउंड्री क्या है? सर्कमफेरेंस. और छोटा सा पार्ट क्या है जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्क. तो अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जो हमारा वन पार्ट एंगल बना रहा होगा सेंटर के साथ, वो क्या होगा? हमारा 1 डिग्री एंगल होगा. अब हमने 1 डिग्री को डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट जो हम अपनी कन्वर्जन में यूज़ करने जा रहे हैं वो है मिनट एंड द सेकेंड. अब जिस तरह की हमने बात की है कि ये 360 इक्वल पार्ट में, ऑब्वियसली मैं 360 पार्ट्स में तो नहीं डिवाइड करी, बट समहाउ ये हमारे पास पार्ट है और हम पिक कर रहे हैं सिर्फ वन सिंगल पार्ट को. अगर इसमें सिंगल पार्ट को सेपरेटली ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? 1 डिग्री को. ओके, तो अगर मैं इस पार्ट को दोबारा 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में? यस, 60 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं, तो फिर जो एक सिंगल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे मिनट. 60 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? मिनट. ओके, अब मैं अगर इस मिनट वाले पार्ट को फिर दोबारा सेपरेट कर दूं यहाँ पे, ये कंप्लीट किसको शो कर रहा है? मिनट को. और 1 मिनट को हम जो हम अपनी कन्वर्जन में भी यूज़ कर रहे हैं, शो करेंगे 1 स्मॉल स्लैश ओवर देयर, छोटी सी हमने डैश ऊपर राइट करनी है, वो शो करेगी मिनट्स को. अब ये हमारा पार्ट पूरा शो कर रहा है हमारा 1 मिनट. अब मैं इस 1 मिनट को अगर दोबारा 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो जो कोई भी हम अगर एक पार्ट उसमें से ले लें, वो किस चीज़ को शो करेगा? वो शो करेगा सेकंड को. और सेकंड को हम किस तरह डिनोट करते हैं? लाइक 1 सेकंड, 1 एंड 2 डैशेस. सो दिस इज डिग्री, दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकंड. अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारे पास 7.1. 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे. ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस डेवलप करेंगे कि किस तरह से हम इसको अपने सेक्सागेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. 45 डिग्री 30 मिनट्स, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल. डेसिमल में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिग्री हमारे पास होगा साथ साइड. मतलब ये है कि अभी यहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो उसमें सिर्फ क्या होगा? डिग्री होगा. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को कर देना है सेपरेट. 45 डिग्री, और वो आप सेपरेट करेंगे एडिशन के साइन के साथ, प्लस 30 मिनट्स. नेक्स्ट स्टेप में हमने 30 मिनट्स को किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है.
अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपके लिए और क्लैरिफाई रहे। जब भी हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और स्मॉलर यूनिट को जब बिगर यूनिट में चेंज करते हैं तो करते हैं डिवाइड। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते किसके साथ है, इनके रिलेशन के साथ। तो हमने अभी देखा है डिग्री और मिनट्स में किस चीज़ का रिलेशन है, 60 डिग्री का। तो हम 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 30 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। और जैसा कि हम अपने डिवीजन को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको नीचे यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 60, और ओवरऑल हमारे पास डिग्री आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 31 द 30, 32 द 60, दिस इज 1/2। मैथ की लैंग्वेज में हम हाफ को डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम अपने हाफ को 1/2 मतलब के फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली 1/2 किस चीज़ को शो कर रहा है, हाफ को शो कर रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, वो क्या होता है, 0.5, 0.5 डिग्री, 45.5 डिग्री। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने अपने इस फॉर्म को, ये जो गिवन फॉर्म थी, और इन सारी फॉर्म्स को हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में। हम फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं, 60 डिग्री, 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीराइट कर रहे हैं, देन अब हम क्या करेंगे, इनको हम सेपरेट कर देंगे। और सेपरेट हम एडिशन के साइन के साथ ही करते हैं, किसी और के साथ नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको कन्वर्जन करेंगे, यही इसी चीज़ का ख्याल रखना है, बिगर टू स्मॉलर देन मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर देन डिवाइड। अब हमने 30 को किससे डिवाइड करना है, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, 30 डिवाइड करेंगे 60 के साथ, ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, क्योंकि हम सेकंड से जा रहे हैं डिग्री में, हम स्मॉलर टू बिगर ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे 30 को। अब 30 हमने सेकंड में चेंज करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, और 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं हमारे पास, 60 मिनट्स। तो बेसिकली यहाँ पे 2 60s आ जाएंगे, और ये ओवरऑल किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में, 60 डिग्री, 0.5। हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, अब इसको देख लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है 60.508 डिग्री में, 60.508 इज़ द फाइनल आंसर। आप चाहें तो इनको बाय हैंड भी कर सकते हैं, और हमें वैसे तो अलाव है कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर से भी इनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, (1:25, 22:50). ओके, हम सेपरेट करेंगे ने, किससे डिवाइड करेंगे, 60 के साथ। तो हमारा चेंज हो जाएगा डिग्रीज में। फिर 50 को हम करेंगे 2 times 60 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2 times 60 भी राइट कर सकते हैं, और वैसे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके लिखना चाहें तो 3600 भी इसकी जगह लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद आप इन्हें ऐड करेंगे और इसका फाइनल आंसर लिखेंगे।
अब हमने देखा कि हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर टू को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने जो कन्वर्जेंस हम बात कर रहे थे, हम सेकंड फॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं. पहले फॉर्म में हमने डेसिमल में चेंज किया था, इस फॉर्म में हम डेसिमल से चेंज करेंगे सेक्सागेसिमल में. और आपका आंसर जो होगा वो आपको आंसर किस फॉर्म में नजर आएगा, डेसिमल में, मिनट में एंड सेकेंड में. ओके, क्वेश्चन नंबर वन हम सॉल्व करेंगे. 47.36 डिग्री. अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला आने के लिए सेपरेट कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर्स में हमेशा याद रखें डेसिमल से पहले जो होता है वो होल पार्ट होता है, डेसिमल के जो बाद होता है उसे हम डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं. बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम उसको डेसिमल पार्ट ही लेकर चल रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं, होल पार्ट सेपरेट कर देते हैं एंड हम डेसिमल पार्ट उसे क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं डिग्री को चेंज करना है हमने मिनट में. इट मीन्स हमने बिगर टू स्मॉलर मूव करना है. जब भी हमने बिगर टू स्मॉलर मूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और किससे करेंगे, 60 के साथ. वैसे तो स्टूडेंट्स आप जब इसको इतना चेंज कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम अपनी मेंटल मैथ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अगर आप मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो वो क्या करेंगे, आप ज़ीरो पॉइंट को आप भूल दें. ज़ीरो पॉइंट को आपने भूल के सिर्फ 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ. ज़ीरो 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 देन 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 21. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, लेकिन हमने जिसको स्किप किया था, जीरो पॉइंट को हमने जो स्किप कर दिया था, अब हम उसको स्किप नहीं करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे. बेसिकली डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, टू, काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 देन 2, और हम इसको यहाँ पे डेसिमल ऐड कर देंगे 21.60 और 21.6. ओके, ज़ीरो आप लिखे ना लिखे एक बात होती है. अब ये किस में चेंज हो चुका है, ये आपका चेंज हो गया है मिनट में. अब फर्दर अभी भी डेसिमल हमारे पास है तो हम फिर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट. अब 0.6 को हमने चेंज करना है सेकंड में, फिर बिगर टू स्मॉलर ही मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, क्योंकि मिनट और सेकंड में 60 का रिलेशन होता है. तो ये अब फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में. अब आप यहाँ पे भी वही काम दोबारा कर सकते हैं, 60 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 6 से, उसके बाद डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 डेसिमल के बाद आपने पॉइंट राइट कर दिया. सो द फाइनल आंसर विल बी 36 seconds. अब इनको कंबाइन कर देंगे सबको, 47 degree 21 minute 36 seconds. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. ओके, अब हम इसको उसी तरीके से होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे. वन ट्वेंटी फाइव डिग्री प्लस 0.45 डिग्री. अब फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब जैसे कि हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया, फौरन एक इसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा. ओके, अब हम
अब तो क्योंकि मैं आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमने मेंटली इसको कैसे करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ और फिर मैं फाइनली उसका आंसर राइट कर दूंगी कि आपने क्या करना है। 45.045 नहीं लेना, सिर्फ 45 लेना है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। उसके बाद 45 को आपने 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपने आफ्टर 2 डेसिमल के बाद डेसिमल राइट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप बाय हैंड करना चाह रहे हैं तो। अब हम इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। अब क्योंकि देखिए हमारे पास एक होल नंबर आया है, हमारे पास डेसिमल में नहीं आया, तो हम इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 225.75 डिग्री अब उसी तरीके से हम सेपरेट कर देंगे, डिग्री प्लस 0.75 डिग्री, अब मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। ओके, इसका फाइनली आंसर लिखेंगे। अब क्योंकि ये होल नंबर में हमें नंबर आ गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, जस्ट कंबाइन कर देंगे और हम पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। -22.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया तो आप उसको बाहर ही रखेंगे और ब्रैकेट में इसको राइट कर देंगे। सारा आपने सॉल्यूशन करने के बाद जो भी टर्म होगा उसके साथ जस्ट माइनस राइट कर देंगे। फिर वो स्टेप्स हैं हमारे सारे कि हम होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, 0.5 को चेंज करेंगे मिनट्स में, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अभी किस में चेंज हो गया, मिनट्स में चेंज हो गया। द आंसर इज 30। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज -67.58 डिग्री। माइनस हमने बाहर राइट कर दिया और इसको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, होल पार्ट सेपरेट करेंगे, डेसिमल पार्ट सेपरेट करेंगे। और अब डिग्री को चेंज करेंगे हम मिनट्स में, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका हम आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद इसका आंसर लिखेंगे। आंसर इज 34.8 मिनट। अभी देखें, अभी भी हमारे पास डेसिमल पार्ट और होल पार्ट दोनों हैं, हमें अपना आंसर तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास एक पूरा होल नंबर आए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। सेपरेट कर देंगे प्लस 0.8 मिनट। मिनट को भी हमने किस में चेंज करना है, मिनट को हमने चेंज करना है सेकंड्स में। 34 मिनट, और इसको चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा सेकंड्स में।
माइनस 67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 48 सेकेंड्स। अब हम इससे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स का मतलब हमारे पास पॉइंट में अब कुछ भी नहीं है, बस इन सबको कंबाइन करेंगे। एंड दिस इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ सेपरेट द होल एंड द डेसिमल पार्ट। 0.18 डिग्रीज, दिस इज 0। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, हमारा आंसर क्या होगा मिनट्स में। आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, 10.8 मिनट। देन अभी भी हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट है, तो हम इसको फिर सेपरेट करेंगे, प्लस 0.8 मिनट। अब हमारा फाइनली किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ अगेन, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 7.1। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू समराइज आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को हम समराइज करेंगे। आज हमने टू कन्वर्जन बेसिकली देखी है, सेक्सागेसिमल टू डेसिमल फॉर्म एंड डेसिमल टू सेक्सागेसिमल फॉर्म, और उससे रेलिवेंट हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे आपको ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।